नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग देख रहे हो एक्सप्लोरर विशाल। हाँ दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मैं विशाल आज आपको बोलने जा रहा हूँ ऐसे 3 मैजिकल ट्रिक्स ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड जिसको इस्तेमाल करके यू कैन बी अ रिच पर्सन, यू कैन बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन। हाँ दोस्तों, ये जो 3 टेक्निक मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये मैं किसी से कॉपी करके नहीं बोल रहा हूँ। दैट आई एम सेइंग after using all these tricks in my life. I belong to a very nominal lower middle class family. मैं बहुत ही middle class family से belong करता हूँ, पर आज मेरा monthly income है near about 1 lakh। तो महीने में 1 लाख रुपए इनकम करना ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में शायद स्पेशली बहुत लोग इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं, बट एज अ गाय फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे लिए ये था बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, मेरे लिए था इट इज़ अ वेरी मच बिग चैलेंज। सो शायद ये वीडियो उन सभी लोगों को है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो चाहते हैं एक अच्छा लाइफ जीना, जो चाहते हैं इकोनॉमिकली साउंड बनना। ये वीडियो है ओनली फॉर देम, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो सीखा लाइफ से, लास्ट 10 साल का जो मेरा करियर है, जैसे कैसे मैं एक 2000 मंथली इनकम का लड़के से लास्ट 8, 9 साल, 10 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीना में कमा लेता हूँ। कैसे आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, हाउ डिड आई अप्लाई ऑल दिस ट्रिक्स। अप्लाई करने के बाद कुछ ही सालों में अंदर मैंने ये जो बेंचमार्क पा लिया, वही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा साइंस है। पैसा कमाना इट्स ऑल अबाउट साइंस, पैसा कमाना इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। यहाँ पर कोई ट्रिक्स, कोई तिरकम नहीं चलता है। ये तीनों साइंटिफिक मेथड अगर आप अप्लाई कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप तो अमीर बन ही जाओगे। 1 लाख क्या, आप मुझसे भी ज्यादा कमा लोगे। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, पहला जो टेक्निक है दैट आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग इन माय ऑफिस। तो उसने मुझको बोला इकोनॉमिक्स से एक सिंपल स्टेटमेंट, दैट इज अगर आप बनना चाहते हो, अगर आप प्रॉपर्टी से निकलना चाहते हो, आप अगर चाहते हो आपका जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आए, सो यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज आपका इनकम जो भी है, आपका इनकम जो भी है उसका 25 to 30% एट फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट, यू हैव टू सेव इट एज अ सेविंग्स। सो गाइस, आपका मंथली इनकम 2000 हो सकता है, आपका मंथली इनकम 10000 हो सकता है, आपका मंथली इनकम 1 लाख भी हो सकते हैं। व्हाट एवर यू वांट आपको कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश नहीं आपको करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट गोल्डन इकोनॉमिक्स रूल, आपका इनकम का 25% टू 30% पहले ही हाथ में आने के बाद यू हैव टू सेव इट, यू हैव टू साइड इट, बिकॉज द फर्स्ट 30% और 25% ऑफ योर सैलरी और योर इनकम आप दे रहे हो खुद को, फॉर योर फ्यूचर को। सो दिस इज अ वेरी सिंपल इकोनॉमिकल रूल। आज से 8-9 साल पहले व्हेन माय कलीग टोल्ड मी, दो शी वाज सीनियर टू मी, इसको बोला जे विशाल, तू जो भी कर, जितना भी कमा ले, अगर 10,000 भी कमा लेता है उसका 25%, 2,500 जमा ले, अगर 20,000 कमा लेता है तो उसका 25%, 5,000 सेविंग्स कर ले। इससे क्या होगा, तुझ में एक आदत बन जाएगा एंड यू कैन बी अ सेविंग मास्टर। फ्रेंड, ये तो हो गया फर्स्ट टेक्निक, सेविंग फर्स्ट, एक्सपेंस लास्ट। और एज पर द गोल्डन रूल ऑफ द इकोनॉमी, इनकम का 25% हम लोगों को जमाना है। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद जब आप एक ऑलमोस्ट अ गुड सेविंग्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम, उसको क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू फॉलो अप द सेकंड टिप्स। ये भी इकोनॉमी से आता है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेविंग। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो सेव करते हैं हम लोग उल्टा पुल्टा चीज खरीदने में, लाइबिलिटी खरीदने में खर्चा कर देते हैं। हम लोग आईफोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देखते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। सो इट इज द फर्स्ट मिस्टेक, बिकॉज ये सब चीज का डिप्रिशिएशन होता है। आप लोग इनिशियल स्टेज में ऐसा मत करो। आपको ये दिमाग में रखना है, पहले लाइफ के कुछ साल में, एटलीस्ट 5 साल में आपको अवॉइड करना है दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको क्या करना है, जो आप 2 साल 3 साल में सेविंग्स कर रहे हो उसको इन्वेस्टमेंट करो, उसको इन्वेस्ट करो कुछ ऐसी जगह पे, उससे आपको इनकम जनरेट फ्रॉम द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करके आ जाए। लाइक I have saved some money from my 2 or 3 years जॉब और वर्क, उसको उससे जो मैंने सेविंग्स किया वो सेविंग्स को मैंने उठाकर मैंने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। उसके बाद मेरा जो सेविंग्स हुआ उससे मैं क्या किया, आई हैव purchased a camera, I purchased light, I started my travel blogging. Also from there I started to invest money in different section. जहाँ से invest करने के बाद मुझको उस जगह से भी income आना शुरू हो गया। Guys, तीसरा बहुत ही कमाल का step है, increase your wings of earning. हाँ जी दोस्तों, आज wings बढ़ाना, आपका earning का wings बढ़ाना ये बहुत ही important part है। अगर आप रतन टाटा, अगर आप टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल देख सकते हो, यू कैन सी वो लोग नमक भी बेचते हैं, वो लोग गाड़ी भी बेचते हैं, वो लोग चाय भी बेचते हैं। दे हैव मल्टीपल बिजनेस, इवन दे सेल द सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो। सो रतन टाटा और टाटा ग्रुप को देखकर सीखने की ज़रूरत है। एक सिंपल सोल्यूशन, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज एक फिशरमैन, एक नदी के एक जगह पे मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया है। सो ही कैन गेट 20 फिशेस फ्रॉम हिज नेट। सपोज मान लीजिए एक जाल से 20 मछली वो पकड़ सकता है। अगर वो फिशरमैन नदी के 5 जगह पे से 5 जाल लगाते हैं तो उसको क्या मिलेगा, 20 into 5 मतलब 100 मछली उसको मिल जाएगा। करियर भी ऐसे है, आपको डिपेंडेबल नहीं होना है, ओनली वन अर्निंग सोर्स। यू हैव टू थिंक आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू, व्हाट आर द मल्टी डायमेंशनल वर्क यू कैन डू इट। सो इससे क्या होगा, सपोज एज अ एग्जाम्पल ऑफ माइंड मैं क्या करता हूँ, आई एम द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव इन अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट। आई वर्क एज अ इंग्लिश फैकल्टी। वन साइड में मैं इंग्लिश फैकल्टी हूँ, दूसरा साइड में मैं यूट्यूबर हूँ, वन साइड में मैं पार्ट टाइम जर्नलिस्ट भी हूँ। आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट in some organization, some news channel. In दूसरा side में I work as a event anchor in some event shows. So 4 से 5 मेरा income sources है। तो इससे क्या होता है, सपोज इससे मैं 20,000, वहाँ से मैं 30,000, इससे मैं 10,000, एक दूसरे जगह पे 5,000, ऐसे मैं कमा लेता हूँ डिफरेंट विंग्स ऑफ अर्निंग सोर्स से। ये टोटल करके मेरा सैलरी, मेरा इनकम हो जाता है 1 लाख के आसपास हर महीना। सो आप सोच सकते हो, आज से ही आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो आपका अकॉर्डिंग टू योर स्किल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किल नहीं करना है, आपको लोगों को देखकर नहीं करना है, आप खुद के अंदर झांक कर देखो भाई आपके अंदर टैलेंट कौन सा चीज़ में है, आप क्या क्या अलग अलग काम कर सकते हो। अगर आप अलग अलग काम नहीं कर सकते तो आपके पास अगर एक ही टैलेंट है, वो टैलेंट को डिपेंड करके उसी इंडस्ट्री में क्या अलग अलग काम आपके लिए है। सपोज एक क्रिकेट प्लेयर, वो बैटिंग भी कर लेता है, वो बॉलिंग भी कर लेता है, वो फील्डिंग भी कर लेता है। सो ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड आपको बनना है, आपको ऑलराउंडर बनना है। सिर्फ एक ही प्रोफेशन में, सिर्फ एक ही काम में आपको डिपेंडेबल होना नहीं है। अगर एक ही प्रोफेशन का एक लिमिटेशन होता है भाई, एक प्रोफेशन से आप 20,000, 30,000, 40,000 मैक्स टू मैक्स कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी, इट इज़ नॉट द इकोनॉमी लाइक यूएस एंड यूके। सो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर देयर। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, यू कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम। वीक को सेपरेट करो, 7 दिन के अंदर 2 दिन मैं इस काम के लिए दूंगा, 2 दिन मैं उस काम के लिए दूंगा, 1 दिन मैं इसके लिए लूंगा, 1 शाम मैं पर्टिकुलर ये जॉब करूंगा। अगर ऐसे आप सोच रहे हो, ऐसे 4, 5, 6 फील्ड आपने सिलेक्ट कर लिया जिसमें आप एक्सपर्ट धीरे धीरे बन जाओगे। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ आप आते ही 1 लाख 2 लाख कमा लोगे, पहले हो सकता है 2,000, 3,000, 5,000 आप कमा रहे हो, बट एट इज द रियलिटी। कोई भी इंसान शुरुआत में ही हीरो नहीं बन जाता है, एवरीवन स्टार्ट विद द जीरो। इवन धीरू भाई अंबानी, ही ऑल्सो स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल बिजनेस, आज वहाँ से आज कहाँ बन गया है, रिलायंस इंडस्ट्री। सो आपको शुरुआत करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा द मल्टीपल ऑप्शन ऑफ योर अर्निंग। अगर ये 3rd टिप्स भी अगर अप्लाई कर लोगे, बैक टू बैक ये 3 टिप्स, ट्रस्ट मी गाइस ये पूरा साइंटिफिक है, कोई नहीं रोक सकता है आपको टू बी अ रिच पर्सन। सो दोस्तों ये था पूरा 3 साइंटिफिक स्टेप्स। नंबर 1, सेव 20% ऑफ योर इनकम। नंबर 2, इन्वेस्ट योर सेविंग टू इंक्रीज योर इनकम लेवल। एंड थर्डली, फाइंड आउट द मल्टीपल वेज ऑफ योर अर्निंग। ये 3 चीज अगर अप्लाई कर लोगे, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप चाहते हो, आपके अंदर पैशन है, आपके अगर जीत का जज्बा है, अगर यू आर हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हो, ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू टू बी अ रिच एंड रिचेस्ट पर्सन। होप सो गाइस यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।